आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, ये एक चैनल है जिसका नाम है यहाँ पर टॉय फैक्ट्री, और इनके यहाँ पर देखिए आप 677 वीडियो इन्होंने यहाँ पर अपलोड कर रखी है, और इनके आप सब्सक्राइबर देखिए, इनके यहाँ पर 56 लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और इनकी वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वीडियो ये अपलोड करते हैं, सारी ये कार्टून वीडियोज़ अपलोड करते हैं, वो भी ट्रेन वाली कार्टून वीडियोज़। देखिए आप यहाँ पर ट्रेन वाली कार्टून वीडियोज़ ये अपलोड करके और यहाँ पर अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके चैनल पर जो व्यूज़ आ रहे हैं, इनकी वीडियोज़ पे जो व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 लाख 4.25 करोड़ व्यूज़, या फिर देखिए 2.6 लाख व्यूज़, यहाँ पर देखिए 2.3 लाख व्यूज़, 1.9 लाख व्यूज़। इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो में मैं आपको बता दूँ, इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 56 करोड़ व्यूज़ है, और दूसरी वीडियो पर इस पर 12 करोड़ व्यूज़ है। तो आप भी ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह का कंटेंट बनाकर आप अगर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो आप भी बहुत ही आसानी से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। अब आपको ये कंटेंट कहाँ से मिलेगा, किस तरह से क्रिएट करना है, सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। सो दोस्तों, इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है ट्रेन गेम फॉर किड्स स्टेशन, इसको आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये वाला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला ट्रेन गेम फॉर किड्स स्टेशन, इस तरह का इस पर लोगो लगा हुआ है, ये देखिए। तो इसको यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर, इस वाले ऐप की जो स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है ये वाला, इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आपको इसको इंस्टॉल करने, गेम को इंस्टॉल करने के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है, प्ले कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से चलेगा, तो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपको जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको प्ले पर क्लिक करना है, इस वाले पर, और यहाँ पर इसको प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं। अब इन पार्ट्स को आपको एक एक करके जमाना है। जैसे आप यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट को उठाया तो इसको यहाँ पर किस तरह से मैच करना है, इस तरह से यहाँ पर लगेगा, तो इसको यहाँ पर रख देना है। उसके बाद इसको उठाया, इसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। उसके बाद इसको उठाया और ये कहाँ लगेगा, ये देखना है आपको, ये यहाँ लगेगा, तो इसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। उसके बाद इसको उठाया, यहाँ रख देना है। उसके बाद इसको उठाया, यहाँ पर रख देना है। उसके बाद इसको उठाया और इसको यहाँ पर रख देना है। ये देखिए आपका वीडियो, यहाँ आपका पूरी ट्रेन यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब आपकी ट्रेन यहाँ से जा चुकी है। अब यहाँ पर अगला स्टेप यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर आपको पेट्रोल लगाना है, कौन से कलर का ये दिया हुआ है, इस कलर का, तो इस कलर के पंप को यहाँ पर उठाना है और इसको यहाँ पर लगाकर इस तरह से रख देना है। उसको यहाँ पर इस तरह से प्रेस करना है, इस तरह से प्रेस करना है, प्रेस करते रहना है। अब यहाँ पर आपका पेट्रोल भी पूरा कंप्लीट भर चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आया। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, इसको इस तरह से, गेम ये खुद आपको बताएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से लाना है और इसको यहाँ पर पटक देना है। उसके बाद यहाँ पर उठाया, इसको इस तरह से उठाया और इसको यहाँ पर इस तरह से वापस लाना है। जैसे जैसे आपको गेम बताएगा वैसे वैसे आपको करते रहना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से जाने वाला है, ये देखिए आपको जिस साइड में जाना है उस साइड का ये ऑप्शन आपको देगा, इस साइड में जाना है, इस साइड का, इस साइड में जाना है, इस साइड का, आपको ये खुद बता देगा। देखिए देखिए ये यहाँ से इस तरह से चला गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा गेम का यहाँ पर आ चुका है, इसको आपको रेडी करना है और उसी तरह आपको यहाँ पर गेम खेलना है और सारी चीज़ की यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। अब जब आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको जाना है अपने काइन मास्टर पर, काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर 16:9 की रेशियो को सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर इस तरह से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी इंपोर्ट हो चुकी है, ये देखिए। अब इसको आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेन एंड जूम का, ये देखिए यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये बराबर वाला निशान जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है और दोनों उंगली से उठाकर इसको कुछ इस तरह से रख देना है, इस तरह से आपको रख देना है, देखिए हो गया। उसके बाद यहाँ पर बैक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा वीडियो इस तरह से आ रहा है, देखिए आप,
देखिए आपको कितना अच्छा यहाँ पर वीडियो लग रहा है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ से ये कुछ ऐड आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से ऐड को कट करना है। कट करने के लिए आपको सिंपली क्या है कि जहाँ पर आपको कट करना है वहाँ पर आपको इस वाली लाइन को, रेड लाइन को वहाँ पर रखना है। जहाँ से कट करना है उस वहाँ से रेड लाइन को रखना है जिसे यहाँ पर कट करना है। तो इसको यहाँ पर कट करने के लिए यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करना है और कैची वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। फिर उसके बाद जहाँ तक ऐड आ रहा है, कहाँ तक ऐड आ रहा है आपका, यहाँ तक, तो यहाँ पर इस रेड लाइन को वहाँ पर लाना है और यहाँ पर भी स्प्लिट कर देना है। अब बीच वाले पार्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब देखिए आपका पूरा ऐड यहाँ से कट चुका है। ये देखिए आपका पूरा ऐड यहाँ पर कट चुका है। अगर आप और इसको जूम करना चाहते हैं तो वही वापस से पेन एंड जूम पर जाइए और थोड़ा सा इसको इस तरह से और जूम कर लीजिए इस तरह से। देखिए ये देखिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर पूरा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर वॉइस ओवर करनी है। अपनी वॉइस ओवर करने के लिए आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर अपनी वॉइस ओवर कर लेनी है। जैसे आपको जो भी आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं वो यहाँ पर वॉइस ओवर कर लेनी है, यानी कि स्क्रिप्ट आपको पहले से लिख कर रखनी है। उसके बाद यहाँ पर वॉइस ओवर आपको कर लेनी है। जैसे आप वॉइस ओवर कर लेंगे तो मान लीजिए जो भी आप वॉइस ओवर करेंगे, वॉइस ओवर कर ली, वॉइस ओवर करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली वॉइस को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मिक्सर पे जाना है और यहाँ पर 20 की वॉल्यूम को कर देना है। उसके बाद यहाँ पर वॉइस चेंजर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस ऑडियो सेलेक्ट कर लेंगे तो वॉइस चेंजर वाले ऑप्शन पर जाकर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे स्क्रॉल करने पर, कीड़ वाला। तो कीड़ वाले को आपको सेलेक्ट करके छोड़ देना है। उसके बाद आपका वीडियो पूरा क्रिएट हो जाएगा। आप जो भी बोलेंगे वो बच्चे की आवाज़ में यहाँ पर आपको सुनाई देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखकर यहाँ पर जो भी आप वॉइस आप ओवर करना चाहते हैं, वॉइस ओवर जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं, वो रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन से जाकर बोल लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वॉइस चेंजर में जाकर उसकी वॉइस को चेंज करके किड्स वाली वॉइस वहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। किड्स वाली वॉइस सेलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, इस वाली ऑडियो को सेलेक्ट करना है और ये वॉइस चेंजर का ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आपको वॉइस चेंज कर देनी है। अब इस कंटेंट को आप अपने चैनल पर कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं बिना कॉपीराइट क्लेम के, बिना कॉपीराइट स्ट्राइक के। और अगर आप इसमें अपने चैनल का लोगो भी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेयर पर जाना है, टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ पर अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ टेक वाला शैतान, इस तरह से आपको अपने चैनल का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद बोल्ड करना चाहें यहाँ पर, जो भी आप यहाँ पर देना चाहें वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, देखिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है, वो है यहाँ पर ओपेसिटी पर जाकर इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देना ताकि ये थोड़ा हल्का दिखाई दे, जिससे आपका देखने में भी अच्छा लगेगा। अब इसको बढ़ा देना है इस तरह से, पकड़ कर इसको आगे बढ़ा देना जितनी वीडियो की आपकी लेंथ हो उस हिसाब से। अब आपका पूरा कंटेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से आप कंटेंट क्रिएट करके अपने चैनल पर अपलोड करके अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट कंटेंट आइडिया है जिसमें आपको गेम खेलने का भी मज़ा आएगा और आप गेम खेल खेल कर यूट्यूब पर अपलोड करके यूट्यूब से एक अच्छी खासी अर्निंग भी जनरेट कर पाओगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।